आज का ये प्रोग्राम कौम के तमाम वालिदिनों के नाम एक पैगाम है। ये एहतजाज, खामोश एहतजाज तमाम समाज के जीशूर इंसानों के लिए एक पैगाम है। इस बात का पैगाम कि हम इस वक्त तालीमी बर्बादी के शिकार हैं। मैं पूरे इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करता हूँ कि बराह करम हमारे बच्चे तबाही के ऐन किनारे पर है। आप इस बात के लिए संजीदा हो जाए। कोई भी कौम इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि तरक्की शायद रोड, बिल्डिंग, बाकी दीगर हम चीज़ें कायम करेंगे तो इनको तरक्की का नाम दीजिए। तरक्की तब हम तरक्की का दावा करेंगे जब हम इल्मी दुनिया में कामयाब होंगे। और जहां हम रहते हैं कश्मीर की बात करेंगे तो हमारी तारीख ही है तालीम के लिहाज से जरखेज है, और इस जरखेजियत को बरकरार रखने के लिए तमाम वालदीनों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम सब इस वक्त इस बात से बाखबर है कि हमारे शगुफे, हमारे बच्चे कितने मुसीबत के शिकार हैं तालीम के हवाले से। हमारे बच्चों को अब इस बात का भी तमीज़ नहीं है कि वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका स्कूल कहाँ है, या दीगर जितने भी तालीम के हवाले से बातें होती हैं उस हवाले से वो बिल्कुल बाखबर हुए हैं। बराह करम ये एहतजाज कौम के बाशूर, बाइज्जत और बाहिस लोगों के नाम पैगाम है। आप भी इस पैगाम में अपनी संजीदगी का अपनी लड़ाई पर करेंगे। ये बिल्कुल भी बोरिंग है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं। वो ज्वाइन करता है लेकिन होता है सोशल मीडिया या आजकल जो ट्रेंडिंग गेम्स है जैसे कि फ्री फायर है, पबजी, उनको ज्यादातर वो खेलता है। तो हमारे साथ ये क्यों खेला जाए? हमारे स्कूल्स जल्द से जल्द ओपन किए जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है।